हेलो गाइस, लेट मी पिक सीट फर्स्ट। हाँ तो गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक से हमारे ACF एग्जाम में क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हुए टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं इनकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस की यहाँ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जिन भी गाइस ने पहले से वीडियोस देखी हुई हैं, यहाँ पे उन्हें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन बिसाइड्स ऑफ ऑल दैट प्रूफ, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोलॉजी एंड बॉटनी। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले हम चाहते हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन से ये क्वेश्चन है कि एडवर्ड सिंड्रोम और आपका जो पटाउ सिंड्रोम आर ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं। तो आप चार ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, सभी को इवेकुलेट करिए अच्छे से। आंसर इसका होगा किससे, चेंज इन ऑटोसोम्स। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम में जब चेंजेस आते हैं तब आपके होता है आपके कौन से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये सारी डिजीज होती है। जब ऑटोसोम्स में चेंज आते हैं तब आपके होते हैं क्राउडी सेट, एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम, इस टाइप की डिजीज होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे समझाया हुआ है, वहाँ से ये डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, विच अमोंग द फॉलोइंग साइटिस डेसिफोर्ड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इन हनी बीस। हनी बीस में जो कम्युनिकेशन होता है डांसिंग के थ्रू, वो कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे एलेबोरेट किया है। तो इसका वीडियो मैंने स्पेशली जब मैं ये टॉपिक बना रहा था इस एग्जाम के लिए, उस टाइम पे मैंने एक पूरा होल वीडियो बनाया था इस टॉपिक्स पे। तो कॉल्ड वॉन फ्रिस थे जिन्होंने 20 साल अपने दिए इस रिसर्च पे, उन्होंने बताया उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कम्युनिकेशन अमंग ऑल द बीस स्पीसीज, हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ दे सर्च देयर फूड एलिमेंट। सो यहाँ पे कार्ल वॉन फ्रिस इसका आंसर हो जाता है। तो इट इज सिंपल इज दैट, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट टॉपिक देन ओबियसली यू वुड हैव सॉल्व इट। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर गो स्पर्मियोजेनेसिस। देखो मैंने यहाँ पे, आप जब पढ़ेंगे शुक्राणु जनन तब आपको पता चलेगा। वहाँ पे मैंने दो थिंग्स आपको बताई थी, एक तो बताई थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक बताई थी स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड जो कि आपकी स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मैं किसे कह रहा हूँ यहाँ पे, स्पर्मेटोजोआ आप स्पर्म को कह सकते हैं। तो स्पर्मेटिड से आपकी स्पर्म तक का जो निर्माण होता है उसे आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। ये इससे पहले जो विधि होती है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि उसमें आप देख सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तक का जो परिवर्तन होता है उसे आप किस में काउंट करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में। ओके, इसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो जो मैंने अनदर चैनल पे डाली थी, मेरे स्टडी विद हेमराज सिंह, उस टॉपिक में मैंने दोनों डाले थे आपके शुक्राणुजनन या फिर ओवाजेनेसिस। वहाँ पे उस डायग्राम के द्वारा आप आंसर इजीली गया होगा। तो इसलिए मैं अपने टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, ऑलवेज शॉर्ट रखता हूँ जिनसे ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कचरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ये पोल्ट्री कल्चर मैंने पढ़ाया था, मुर्गी पालन, जिसमें पोल्ट्रीज में मैंने बताया थी ये सारी न्यू हैम्पशायर, प्लाइमाउथ रॉक एंड गेगस आर द वेराइटीज ऑफ, ये वेराइटीज हैं किसकी, किसमें, ये आपके पोल्ट्रीज में, फॉल यूज्ड फॉर पोल्ट्रीज। ठीक है, पोल्ट्री में जो किस्में यूज करते हैं हम, उनके नाम हैं ये आपके। ओके, ये भी क्वेश्चन मैंने दूसरे अनदर चैनल पर डाला था और हमारे इसी सीरीज में डाला था। ओके, अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्लेडिस्टिक। इसको हमने नाम दिया था क्लेडिस्टिक, जिसमें हमने किसको अपना आधार माना था, इवोल्यूशनरी आधार, हमने वर्गीकरण पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे देख दूंगा, डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लेरिफाई कर सकते हैं ये क्वेश्चन। वहाँ से पढ़ते हैं हमारे, इफ सिस्टमेटिक कोड नंबर ऑफ एन एंजाइम इज एंजाइम क्लास टू,
तो यहाँ पे व्हाट डज टू इंडिकेट, तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी आपके लिए। ओथ लेल, जो 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम की उसकी होती है, सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम आएगा, उसके बाद में ट्रांसफेरेज आएगा, फिर हाइड्रोलिज आएगा, फिर आपकी लाइसेज आएगा, फिर आइसोमेरेज आएगा, और सबसे लास्ट क्लासेस होती है आपकी लाइगेज एंजाइम क्लासेस। ठीक है, तो इसमें दूसरी क्लास कौन सी है आपकी, ट्रांसफेरेज। तो उस ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाता है, मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई थी वो। तो इसका आंसर हो गया ट्रांसफेरेज। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल दैट कंबाइंस विद द डीएनए टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम कोर। न्यूक्लियोसोम कोर में आपके कौन कौन से होती है, न्यूक्लियोसोम कोर में एच वन नहीं होती है, बाकी हिस्टोन होती है, ये वाली H2A, H2B, H3, H4। ये मेरे मेरे चैनल पे पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें ये मिल सकता है आपको, जिसमें आप डीएनए की हिस्टोन से रिलेटेड, डीएनए की हिस्टोन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाके इसे पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हीरी रूट डिजीज, तो इसमें मैंने एग्रोबैक्टीरियम का जो ट्रांसफर बताया है, टीडीएनए का ट्रांसफर, उसमें जाके देख सकते हैं। हीरी रूट डिजीज़ है वो आपकी होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से। ओके, और आगे बढ़ते हैं। द इंसेक्टाइडल एक्टिविटी ऑफ बेसिलस थुरिंजेंसिस इज ड्यू टू, तो ये क्राई प्रोटीन प्रोटोक्टॉक्सिन है। ये कई सारी वीडियोस आपकी बायोटेक इंजीनियरिंग में, कई सारी मैंने 3-4 ऑलरेडी वीडियो डाली हुई हैं इसकी, वहाँ से आंसर इजीली पुटअप हो जाता है कि क्राई प्रोटीन होती है वो आपके बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे ही किसी कैटरपिलर या फिर कोई कीट के द्वारा से खाया जाता है, उसकी आंतों में ये एक्टिव होके उसकी एपिथीलियम में कैसे कर देती है, परफोरेट, छिद्रित कर देती है उसे, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ आपकी बायोटेक वाली वीडियो से क्वेश्चन ईजीली हल हो रहा है। ओके, प्लास्टोम में से है, प्लास्टोम क्या है, तो ये प्लास्टोम क्या है, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर इजीली पुटअप हो रहा है। ओके, देखिए, ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त तकनीक है। ट्रांसजेनिक जीव, जिसमें आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से जीनों को लेंगे और प्लास्मिड या फिर किसी भाग के द्वारा किसी हमारे होस्ट डीएनए में उसे ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, और इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई। ये जो वीडियो है, ये जो एंटी सेंस आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक है, ये मैंने एज इट इज़ जो आपकी 12th बायोलॉजी में दी हुई है वो यहाँ पे डाली है, मैंने उसे एलेबोरेट किया था कि तंबाकू के पीड़क प्रतिरोधी पौधों का विकास किस तरह किया गया आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक में। ओके, वहाँ जाके देख सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वायरोड्स, ये वाली बिली मैंने आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे समझाई हुई है, जिसमें वायरोड्स कैसा होता है, वायरोड्स आर वेरी स्मॉल नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट एनी कोट। ठीक है, वायरस में उसकी क्या रहता है, बाहर कोट रहता है, जिसे आप बोलते हैं कैप्सिड। ओके, कैप्सोमियर उसकी कैसे होती हैं, कैप्सोमियर यूनिट होती हैं, प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ, और न्यूक्लिक अम्ल इसमें केंद्र में रहेगा, उसके चारों तरफ कैप्सोमियर होती हैं। तो यहाँ पे उनके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं मिलेगी वायरोड्स में, और यहाँ पे केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट किसी कवरिंग के वायरोड्स। इसकी मैं पहले भी कई सारी वीडियो डाल चुका हूँ। वायरसेस आर, यहाँ पे वायरस क्या है, अविकल्पी परजीवी हैं, यानी कि वो सजीव कोशिका में जीवित हैं, परजीवता अगर वहाँ पे दिखा रहे हैं तो अगर उससे बाहर आ जाते हैं तो उनका वहाँ पे कोई भी जीवन संभव नहीं है। ये क्वेश्चन भी वीडियो से हल हो रहा है जिले। ये यहाँ पे मैंने दोनों के मिक्स किए हुए हैं, आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो एग्ज़ाम में आए हैं, दोनों सब्जेक्ट से ECF और FRO में जो एग्ज़ाम आए हैं वो मैंने यहाँ से लिए हैं। वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, तो कौन सी टेक्निक से यहाँ पे वायरस फ्री प्लांट उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर में मैंने कई बार समझाया है कई वीडियो से। इसमें आप कौन से करोगे, आप सूट टिप कल्चर से आप कैसे प्लांट बना सकते हैं जो कि वायरस फ्री, टोटली वायरस फ्री प्लांट होंगे, सूट टिप कल्चर से, या फिर मेरिस्टेम कल्चर से भी बना सकते हैं इसे। अब देखिए आगे आते हैं। मैंने मेरे अनदर चैनल पे मैंने कई सारे जो प्लांट डाइवर्सिटी के नाम होते हैं आपके क्लासेस के, टेरिडो, ब्रायो, जिम्नो के जो प्लांट्स के कॉमन नेम होते हैं वो मैंने कई बार बताए हुए हैं शॉर्ट वीडियो से, तो यहाँ पे देख सकते हैं।
वही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो देखिए मैच क्या होगा, इक्विसीटम क्या होता है, हॉर्सटेल होता है, सिलेजिनेला पुनर्जीवनी पादप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो बीज होते हैं अनुकूलित अवस्था में आने पे कैसे होते हैं, अंकुरित होते हैं, प्रतिकूल अवस्था में आने पे वो प्रसुप्ति अवस्था में पड़े रहते हैं। एजोला क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और साइथिया ट्री फर्न, इनसे यहाँ पे ये मैच करना है आपको, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज लिविंग फॉसिल, तो ये आंसर इसका जाएगा गिंगो बायलोबा। ओके, ये मैंने शॉर्ट जो वीडियो बनाई हुई है प्लांट एनाटॉमी या प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड, वहाँ पे ये आराम से मिल सकता है आपको। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, देखो मैंने नेचुरल क्लासिफिकेशन समझाया हुआ है, प्राकृतिक वर्गीकरण जो सर्वाधिक यूज करते हैं हर्बेरियम आपके, वो बेंथम और हुकर वाला करते हैं। उसमें सबसे मेन कमी ये होती है कि इसमें आपके जिम्नोस्पर्म को कहाँ रख दिया था, डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। ओके, ये इसमें गलती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ लोकेशन इज पेलिसोट टिश्यू एंड फ्लोएम, फ्लोएम क्या होती है, देखिए ये एडेक्सियल सरफेस है, ये क्या है, एडेक्सियल सरफेस। तो फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों में बाहर की तरफ यानी कि एपिडर्मिस की साइड में, तो फ्लोएम एडेक्सियल की तरफ होगा। और आपका जो पेलिसेट टिश्यू है, पेलिसेट टिश्यू यहाँ होता है, मीजोफिल टिश्यू इसमें दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो आपके पेलिसेट टिश्यू, दूसरा स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टिश्यू। तो दोनों कैसे होते हैं, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, आपके एडेक्सियल लेयर यानी कि पत्ती की ऊपरी सतह एडेक्सियल होती है, जबकि नीचे वाली कैसे होती है, एबेक्सियल। तो एडेक्सियल सतह पे आपके ये मिलेंगे, ये आंसर भी यहाँ से हो जाता है। और पत्ती की मैंने स्ट्रक्चर दोनों की समझाई हुई है, चाहे वो डॉर्सी वेंट्रल हो या फिर आपकी एक बीज पत्री हो, एक बीज मोनोकॉट में जो मिलती है वो हो, पृष्ठाधारी या फिर समद्विपार्श्व। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर करंटली समझाई है मैंने, आर वेल प्रिजर्व आर फॉसिल, फॉसिल यानी जीवाश्म के रूप में क्यों संरचित रहते हैं, क्योंकि इनके एग्जाइन के बाहर आपको स्पोरोपोलन इनकी एक स्ट्रक्चर मिलती है, जो कि कैसी होती है, जैविक प्रतिरोध वाली होती है, जिसका अपघटन आप इजीली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। अरे की साइपुजिया, इसमें आप इसका नाम से पता चल रहा है, कैसे होती है, जियोकार्पिक भूमिगत फली होती है, ये आपने कई बार पढ़ी होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो साइकिल हैं, साइकिल मैंने कराए हुए हैं सारे, चाहे वो आपकी गैसियस साइकिल हो चाहे पर वो सेडिमेंट्री साइकिल हो, तो इसमें यही हुआ है, रॉक आर द नेचुरल रिजर्वाइवर ऑफ फॉस्फोरस, सही है, ये फॉस्फोरस साइकिल मैंने कराया हुआ है। वेदरिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स मेक फॉस्फेट अवेलेबल टू द सॉइल, ये भी सही है। हर्बीवोर एंड कार्निवोर ऑब्टेन फॉस्फोरस फॉर प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसमें तीनों ये आंसर सही हो जाते हैं इसके, तो ये आपकी क्वेश्चन आराम से हो रहा है। देखिए दो मैंने वीडियो डाली हुई हैं, जो आपने कई सारे व्यूज हैं उन पे, जीरो सीयर सक्सेसन और हाइड्रो सीयर सक्सेसन, वहाँ पे सबसे पहले जो पायनियर कम्युनिटी आती है वो आती है आपकी लाइकेन। तो इस लाइकेन का जब तुम्हें पता है सबसे पहले आने वाली कौन सी होती है, स्पीसीज लाइकेन होती है, तो उसी से आंसर यहाँ पे टिक हो रहा है कि सेकेंड आंसर होगा। ओके, फिर अगला, इन विच जोन ऑफ एटमोस्फियर ओजोन लेयर एब्सॉर्ब द यूवी रेडिएशन ऑफ सन, सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को कौन सी वातावरण की परत है वो एब्सॉर्ब करती है, तो आपके समताप मंडल में जो ओजोन परत मिलती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, ये होता है समताप मंडल, सबसे पहले आपके ट्रोपोस्फीयर आता है। ओके, यानी ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर आयनो और सबसे ऊपर एग्जोस्फीयर, बहिर्मंडल। तो ये आंसर भी मैंने ओजोन ओजोन परत के जो संरक्षण से भी संबंधित वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे इस आंसर को आराम से आप जाके देख सकते हैं। देखिए साइकिल,